अब ये इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है पहले हमने जो किए थे वो छोटे छोटे अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें डिटेल ज़्यादा है और फिग्रें भी ज़्यादा हैं देखिए सेल्स है कॉस्ट ऑफ सेल्स है ग्रॉस प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिज हैं एडमिन एक्सपेंसिज है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनकम अब इसमें एक चीज़ आ गई इन्वेस्टमेंट इनकम बिग ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है एक इन्वेस्टमेंट तो उसकी ये है ना कि उसने शेयर खरीदे हुए हैं स्मॉल के ठीक है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा याद रखे ये और इन्वेस्टमेंट जो कहीं और की होती है किसी और कंपनी के शेयर ख़रीदे होंगे उस पर इन्वेस्टमेंट है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपने बी को लोन दे रखा हो कुछ इस तरह का दे जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो तो वो आपकी इनकम आ रही हो कुछ इस तरह की भी हो सकती है दट सी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा फाइनेंशियल चार्जेस दोनों के हैं बिफोर टैक्स प्रॉफिट भी है और टैक्स है ये नहीं ये कंप्लीट क्वेश्चन है बेसिकली कम्प्लीट इन देंस कि आपको करंट ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ गया अच्छा इसमें भी देखें मैंने एक चीज़ छोड़ी हुई है कि अगर आपने कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है तो फिर आपको इसमें पिछले साल जो प्रॉफिट बचे हुए हैं वो इसमें एड ऑन करके फिर एडजस्ट करके फिर बैलेंस शीट को ले लेंगे लेकिन अभी हमने उसको अवॉइड किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आ जाएगा अदर इंफॉर्मेशन बिग लिमिटेड सेल अ कंपोनेंट विच इज वाइडली यूज बाय स्मॉल

बल्कि उसके पास पड़ा हुआ है दी इन्वेंट्री और एज ऑन दिस इंक्लूड टू हंड्रेड थाउजेंड ऑन अकाउंट ऑफ सच कम्पोनेट्स तो यहाँ पर भी आप देखें कि प्रॉफिट जो निकालना है आपने आपने छः लाख पचास हज़ार का जो बेचा है उसमें प्रॉफिट निकालने के बाद आप उसको लेकर जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में यानी छः लाख पचास में से प्रॉफिट निकालेंगे तो आप सेल्स और कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे सिमिलरली ये जो आपका अनविलाइज प्रॉफिट कंपोनेंट पर है इसको भी एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द ईयर स्मॉल लिमिटेड सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी लिमिटेड वैल्यूइंग ऑफ टू थर्टी थाउजेंड ये एक और कर, और सेल उसकी है दिस इज वन टाइम सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट रेगुलरली यूज बाई बी एंड स्मॉल थ्री एंड वन थर्ड परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इसमें भी देखें उसने आपको प्रॉफिट परसेंटेज बता दी है सेलिंग प्राइस पर थर्टी थ्री एंड वन 3 परसेंट नो इन्वेंट्री वॉज हेल्ड बाई बिग फॉर दिस गुड्स एट एंड इंटरेस्टिंग है अगर ये अभी स्टॉक में होती तो इस पर भी अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ता लेकिन चूंकि ये बिक गई हैं और बाहर चली गई हैं ग्रुप से तो इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है लेकिन चूँकि इंटर कंपनी सेल और परचेज है तो इसको फिर आपने एडजस्ट तो करना पड़ेगा सेल्स में भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स में यूजली अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप देखें तो उसमें क्या होता क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो यूजअली ये जो सेल परचेज है ना परचेज से माइनस करते हैं उधर सेल्स से माइनस करते हैं लेकिन चूंकि वो तो डिटेल नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स से ही माइनस करते हैं देन थर्ड में है वन ट्वेंटी फाइव डिविडन पेड बाई स्मॉल अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ बिग लिमिटेड बी लिमिटेड ने अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर लिया है और जब रिकॉर्ड कर लिया है पेड है मैंने कहा था अगर पेड है तो उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये कहीं प्री एक्विजिशन तो नहीं अगर प्री एक्विजिशन से है तो फिर ये कॉस्ट जो पे की है ना कंसो कंसिड्रेशन जो पे की उसके अगेंस्ट एडजस्ट होना था लेकिन चूंकि ये नहीं है ये पोस्ट में से है इसलिए ये प्रॉफिट आपके पास आ गया और आपने ठीक अपने अकाउंट्स में इसको इनकम में ट्रीट कर लिया है दैट इज़ ओके